মা, করুণাময় মা, পরম প্রভু শ্রী অরবিন্দ, পাঠচক্রে উপস্থিত সমস্ত অপভাই মোর প্রণাম। মা, কি কহ কি কহ, কিয়ে কহ কিয়ে কহ, আকাশর নীলিমারে সবুজে বনানি রে, রঙ দিয়েছি আলোকে ভরিছি, কিয়ে কহ কিয়ে কহ সে কে কহ কে কহ কে কহ, মহাশূন্য কে কাহি পবন যে থিলা শোই, বহিবাকু কহি উঠাইলা তাকু, কিয়ে কহ কিয়ে কহ সে কিয়ে কহ কিয়ে কহ কিয়ে কহ, রহিছি ভরি সে রমণী রূপরে পুরুষর শক্তিরে, শিশুর হসরে কুঁয়ারী লাজরে অখিল এ ভুবনরে, সবুঠি বিরাজে তার ছায়া রূপ, কি নাম ঠিকণা কহ, ব্রহ্ম বা বিষ্ণু পুরুষ কি নারী, ব্রহ্ম বা বিষ্ণু পুরুষ কি নারী, দেহ ধরি অবনুহ সে কি এক বা দুই কহ সে কি এক বা দুই কহ কি কহ, সবু সঙ্গীতা তাহ সর নির্ঝর রূপ তা আবেগ স্মিত, তা হৃদ স্পন্দন আমরি জীবন প্রেম নিধি রাধা কৃষ্ণ, ভুবন ভুবন হই যাইলি না আসে যুগ পরে যুগ, চরম শিখর ঊর্ধ্বে পরম, চরম শিখর ঊর্ধ্বে পরম, সুখ নির্বচনীয় সে কিয়ে কহ কিয়ে কহ সে কিয়ে কহ কিয়ে কহ কিয়ে কহ, মানবর প্রভু চিরন্তন সখা
अन्तर्जमी लीला माया मद मोहे अन्ध जाए बहु दूर भक्त बन्धु भव माया महासूर्य से विपुल विराट कालहीन मृत्युञ्जय घन अन्धारे निशिथिनी कोळे घन अन्धारे निशिथिनी कोळे समासीन अविचल से किए कहा किए कहा से किए कहा आकाशर नीलिमारे सबु जय बनानी रंग दी आलोके भरी किए कहा किए कहा से किए कहा महाशून्य के काही पवन जे थिला सोई बही बकू कही उठाइला ताकु किए कहा से किए कहा किए कहा वंदे मातरम समस्त बहु आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे करुणामयी माँ ओ प्रभु श्री अरविंद चरण कमल तले मोर कोटि कोटि प्रणाम उपस्थित समस्त दिव्यात्मा मानू मोर विनम्र प्रणाम जनाऊँची आज शारदीय महाअष्टमी माँ दुर्गा पार्वण से आमे एक विशेष कार्यक्रम रखीचे ताकि एक आलोचना जहार शीर्षक हेउची माता दुर्गे सिंह वाहिनी मदर दुर्गा राइडर ऑन द लायन उद्धृत होइची श्री रविन्द्रंकर कृत हेमन टू दुर्गा दुर्गा स्तोत्र बा दुर्गा स्तुति रु आजिर विषय वस्तुटी मां ओ प्रभुंक रचित विभिन्न पुस्तक मानंकु आधार करी ओ अन्यान प्रवाणीक तथ्य को आधारित करी आलोचना रखिबा तेणु टपिक्रे आम रखा स्पिरिचुअलिटी रखा साइंस भी रखा आस्ट्रोलोजी भी रखा लॉजिक भी रखा आउ वैदिक तथ्य भी रखा हिस्टोरिकल तथ्य दृष्टिकोण भी विचार करवा सबुगुड़िक किपर भाव परस्पर सहित संयुक्त होलोचनार विषय वस्तु आम उपस्थापन करवा माता दुर्गे सिंह वाहिनी मदर दुर्गा राइडर ऑन द लायन ए जो ह्यूमन टू दुर्गा प्रभु श्री अरविंद साप्ताहिक धर्म पत्रिकार 1909 मसीहा अक्टोबर मासरे एक आर्टिकल बंगला भाषा रे प्रकाश करिथिले तार 36 वर्ष परे आश्रमर विशिष्ट साधक नलिनकांत गुप्त 1945 मसीह इंग्राजी रे भाषांतर करी एक टाइप कॉपी प्रभु पाख को पठाई देले प्रभु यार प्रथम परिच्छेद को पुंखानुपुंख भाव इंग्राजी भाषा रे संशोधन करी आश्रमर विशिष्ट साधक निरोध वर्ण को यार एक श्रुत लिखन डाकिथिले तापरे श्रीजुक्त नलिनकांत गुप्त परवर्ती परिच्छेद गुड़िकर बदलाइले 1951 मसीह प्रथम इंग्राजी भाषा रे प्रकाश पाइला और परवर्ती समय रे अनेक संख्या विभिन्न भाषा रे
प्रकाश ही चली हूँ जे कि आम जो दुर्गा स्तोत्र पढ़ुचे ये हूँ तार मूल तथ्य की आज जो दिवस आम आलोचना करने को बसीचे कहली जे प्रथम जे कि आपको आम आस्ट्रो साइंस भी देखा आपरे कि सब टॉपिक रो जो साइंटिफिकल व्यू भी देखा आउ स्पिरिचुअल दृष्टिकोण भी देखा आउ हिस्टोरिकल बेसिक तत्व भितर आपको देखा पौराणिक तत्व भितर आपको देखा तेणु आस्ट्रो साइंस रे आमे पढ़ुचे तिथि बार पढ़ुचे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपद यही सब जिनस आम जानुचे प्रतिपद ठार आरंभ करी अमावास्या तापर शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष पितृपक्ष देवपक्ष इत्यादि तापर शताब्द राशि नक्षत्र तिथि कौन सब यही आम सब आस्ट्रो साइंस रे पढ़ुचे आज दिन टे को आम जब हिसाब को नवा तेज तापरी हम आज हूँ 2023 मसीह अक्टोबर मास 22 तारीख आ समय हूँ राति 8 पीएम रविवार सन हूँ 1931 राशि हिसाब से देखा जदि ताकि तुला पांच दिन जदि मस हिसाब देखा आश्विन मास जदि पक्ष हिसाब से देखा ताकि शुक्ल पक्ष जदि तिथि हिसाब से देखा आज हूँ अष्टमी तिथि यही अष्टमी तिथि टी गत काली ठारु तमाने 21 अक्टोबर 9:45 पीएम रु आरंभ होई आज 8 पीएम रे समाप्त हो जो अष्टमी तिथि कथा आज अच्छी जे कि पार्वण अष्टमी तिथि आज 8 पीएम रे एटा कंप्लीट हो जापर आज 8 पीएम पर ठारु नवमी तिथि आरंभ हो आसंता काली पर्यंत ताने 23 अक्टोबर 5:46 पर्यंत यह चालू रक्षत्र हिसाब से देखिले आज उताराषाढ़ा नक्षत्र 6:45 पर्यंत थिला यहाँ श्रवण नक्षत्र आरंभ हो 23 तारीख 5:15 पर्यंत राशि हिसाब से देखिले आज हूँ मकर राशि मुटा को कहार अर्थ हूँ ये जो विषय वस्तु आज पौराणिक मत दे कि आम आलोचना करने को जाऊे आ सहित तार लिंक रही पौराणिक मत अनुजाई माँ दुर्गा महिषा हृदय को शूल द्वारा बद्ध करी खड्ग द्वारा क्षीरछेद करी मुहूर्त टी थिला चैत्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी और नवमी संधि क्षण मुहूर्त तामाने अष्टमी सरी जाउची नवमी आरंभ हो ठीक यही घड़ी संधि समय रे माँ दुर्गा से महिषासुर को बद्ध करी तेणु यही समय रे देवी को महाशक्ति रूपे पूजा करा जाए जहां को कहा जाए संधि पूजा यह थिला एक भयंकर मुहूर्त माँ दुर्गा दीर्घ समय धरी युद्ध करी करी अवश हो पड़ुले देवदेव महादेव आसी तांकु मधु पान कराई शक्ति प्रदान करुले यही कथा को विचार करी आम जब त्रेता युग को जीवा त्रेता युगर रावण को परास्त करने प्रभु श्रीरामचंद्र चैत्र मास बदल आश्विन मास रे ही पूजा करी थिले उभय चैत्र मास रे आश्विन मास रे करा जाउची चैत्र मास को पूजा को जो ये पूजा चैत्र मास रे करा जाए ताहुची चैत्र बासंती नवरात्र आश्विन मास रे जहाँ को पूरा पूजा करा जाए जे एबे आमे जो को पूजा करूचे सेटा होची शारद नवरात्र बोली विदित रही उभय समय रे देवी महापूजा प्रचलित नवमी रे परवर्ती दिन हूँ विजय उत्सव बा विजय दशमी रूपे आम पालन करुचे यह देवता मान द्वारा माँ दुर्गा युद्ध परवर्ती विजय अभिषेक परंपरा को सुझाए जे कि विजया दशमी जो पूजा हूँ तेणु ये आम समस्त जानवा को निश्चित पाइबा जे कि आज जो अष्टमी 8 बेले 8 PM रे सरी जाउची एवं नवमी आरंभ होउची संधिक्षण मुहूर्त रे ही महिषासुर को बद्ध करा जाइछला सेति पई कि मु आस्ट्रो जिनसटा को आपन पाखरे उपस्थित
दुर्गा किए तंकर स्वरूप कौन तंकर आविर्भाव उद्देश्य कौन से क्यों शक्ति को बहन करम पाखे आराध्या पाई से कहीं आम पाखे आराध्या होती सबू तथ्य को पौराणिक दृष्टिकोण को आलोचन प्रयास करवा ठीक अच्छी ओ यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण को देखा तापर प्रभु श्री अरविंद और श्रीमा तत्व दर्शन मध्य प्रवेश करवा यही आम प्रयास जारी रखुवा जदि समय सार्थक हुए ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मध्य आम प्रवेश करें समस्ते जानचे माँ दुर्गा होती महिषासुर मर्दिनी बा माँ दुर्गा तांकर विजय गाथा देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण मानक वर्णना होती विषय आम समस्ते जानचे एणु संक्षिप्त कही मूल तत्व उपरको आम जा आलोचना रखा ब्रह्मा बर से बलियान हो महिषासुर ए महिषासुर थिला गोटे महिषी आकृति थिबा एक राक्षस स्वर्ग आ मर्त्य पाताल अत्याचार आरंभ कर अत्याचार कर यार विनाश आवश्यकता पाई माँ दुर्गा आविर्भाव आवश्यक हो पड़ा तेरे माँ दुर्गा किभली भाव आविर्भाव है से विषय को आम जो पौराणिक तथ्य अच्छी आम ताक प्रवेश करवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव इंद्र और तांकर समग्र देवता मानकर तेज तांकर शक्ति आकाश में सम्मिलित हैला और घनीभूत हैला यही तेजरु यही शक्ति जो घनीभूत हैला ताद्वारा एक दिव्य नारी रूपे प्रकट हेले यह माँ दुर्गा प्रकट हबार सोर्स से होती समग्र सृष्टि समस्त शक्तिर आधार कारण मुझा कहली ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र समग्र देवादेवी समस्त तेज शक्ति को मिसेक से कौन कले से प्रकट होते वैज्ञानिक मतरे समस्त शक्तिर मूल उत्स होती परम परम पुरुष ब्रह्म विराट पुरुष प्रभु आम को यही कथा जनाऊं श्री अरविंद जे कि यह वैज्ञानिक मतरे लेखा अच्छी जे कि समस्त शक्तिर उत्स होती परम परम पुरुष ब्रह्म विराट पुरुष से ही शक्तिर उत्स आम समस्ते शक्ति तेज प्राप्त होचे कारण आमर निजस्व किसी तेज ना जो सूर्य को देखुचे जो चंद्र को देखुचे जो ब्रह्मा को देखुचे जो विष्णु को देखुचे इंद्र को देखुचे देवता मान को देखुचे निजस्व किसी शक्ति ना कि निजस्व किसी तेज ना समस्ते यही विराट पुरुष ये ब्रह्म तेज से तेजियान हो रही द्वारा से परिचालित होती माध्यम सब अलग अलग से ही विराट पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र चंद्र सूर्य देवादेवी गण शक्ति तेज पाई आसुचंती आम समस्ते ये जीव जगत रहा वृक्ष लता स्थावर जंगम आम समस्ते ये शक्ति गुड़िक पाचे मानने सोर्स से मैंने पाचे कि पवन देवता माने से विराट पुरुष तेजर शक्ति से पाई एवं से आम को अहरह आम को पवन संचारण कर सूर्य देवता से किरण दौरान इंद्र ब्रह्मा विष्णु समस्ते तेजरे तेजिया नहीं कि आम समस्त को से मध्य डिस्ट्रीब्यूट कर समस्ते अंश एवं एक्सटेंशन हो एपर्यंत पहुंचीचे आम जे भावचे आम जो एक्सटेंशन होती परम पुरुष से ब्रह्मांड पुरुष आम एक्सटेंशन होती आज आम मनुष्य समाज में पहुंचे तापर आम आसवा से जो दिव्य नारी समस्त शक्ति को आधार कर प्रकट हेले आमे माँ दुर्गा बोली आराधना करुचे कारण से समस्त शक्ति द्वारा से ताले तेणु से किभली भाव शक्ति ताले जहाँ को आम पौराणिक रहस्य आम पाखे उपस्थापन करुच्ची वेद रु संग्रह कर पुराण आम पाखे से रहस्य को उपस्थापन करुच्ची वर्तमान संक्षेप कहीदे शिवंक तेज आ शिवंकर शक्ति से दिव्य नारी मुख या जमंक तेजर तांकर केश या विष्णु तेजर तांकर भुज बा हाथ या चंद्र तेजर दुई स्तन या इंद्र तेजर
मध्य देश टा तैयारी हला वरुण का तेजरु जंघ बा उरु तैयारी हला पृथ्वी का तेजरु तंकर नितंब तैयारी हला ब्रह्मा का तेजरु तंकर चरण बा पाद तैयारी हला सूर्य का तेजरु चरण रो आंगुठी तैयारी हला वसुगण का तेजरु हस्तर आंगुली तैयारी हला कुबेर का तेजरु तंकर नासिका तैयारी हला नव प्रजापति तेजरु दांत गुड़िक सब तैयारी हला अग्नि का तेजरु तंकर त्रिनेत्र तैयारी हला संध्या का तेजरु भ्रुकुटी तैयारी हला पवन का तेजरु तंकर कर्ण तैयारी हला अन्यना देवता गण और विश्वकर्मा का तेजरु देवींकर समग्र शरीर सृष्टि होइतिला तापरे से तो सृष्टि हो गले तंकर से शरीर पाई गले मां देवी दुर्गा पाई गले तंकर ता आभूषण दरकार तेणु आभूषण सब किभरी भी तंकु दिया जाइतिला से तात्विक अर्थते को मु आपन को पाखरे उपस्थापन करूची क्षीर समुद्र देवींकर शरीर रा सौंदर्य को वर्धित करिबा पई तंकु वस्त्र देले उत्तरीय देले मोतीमाला देले चूड़ामणि देले दिव्य कुंडल भी देले कंकण जो हाथ में जो कंकण पिंधि ताकू भी से प्रदान कले ये होंगे क्षीर समुद्र तापर चंद्रमा देवी दुई पादरे रुणु झुणु होता पहुड़ देले बाहुरे बाजुबंध देले कंठरे चापसरी देले अंगुली मानकरे रत्न मुदिका पिंधाई देले तापर आसुची कि विश्वकर्मा देवी को गोटे अभेद्य कवच और तीक्ष्ण धारजुक्त परशु प्रदान करते कुबेर गोटे सुंदर पानपात्र प्रदान कले अनंत नाग गोटे मणिखचित नागहार प्रदान कले आसिले देखि हिमालय से देवी को बाहन रूप से एक सिंह प्रदान करते देखि सिंह बाहिनी माता दुर्गा आम जो कहचे से ही हिमालय तंकु सही बाहन रूपे सिंह को प्रदान करते देवी सिंह उपरे आसीन हेबा मात्रे समुद्र आसी एक पद्ममाला आनी तंको गोलारे लंबाई देले ये हला तंकरो आभूषण रे दे देले तापरे मा तो बाहरिबे जे कि महिषासुर को बद्ध करिया पई कि तंकर अस्त्र शस्त्र दरकार आउ से गोटे गोटे सज्जित हेबे किभरी भाव रे गोटे युद्ध भूमि रे निजकु प्रस्तुत करिवे सेथिपई कि देवादेवी जितेक दिव्यास्त्र से प्रदान करदे तेणु को देवता कौन अस्त्र संक्षेप आपको कौच शिव देवदेव महादेव निजर त्रिशूल को प्रदान कले विष्णु सुदर्शन चक्र को प्रदान कले अग्नि शक्ति प्रदान कले पवन धनुर्बाण प्रदान कले इंद्र वज्र और घंटा प्रदान कले जमराज कालदंड प्रदान कले वरुण पास वरुण देवता से कौन कले ना पास और शंख प्रदान कले दक्ष प्रजापति अक्षमाला प्रदान कले ब्रह्मा देवी को कमंडलु प्रदान कले सूर्य प्रति लोमरे किरण मान पूर्ण करदे महाकाल देवी को जी महाकाल अच्छा से देवी को कालर लह लह जिहा सदृश गोटे खड़ग प्रदान करपे उपस्थापन कली जे कि देवी जन्मलाभ कले आंकर जो थिला तंकर आभूषण भी दिगला आंकर दिव्य अस्त्र मान सब दिगला तापर माँ दुर्गा सम्मुख युद्ध पाई रण रंगीनी रूपे सज्जिता हो गले कहना आग को जो युद्ध अच्छी सज हो गले तेणु प्रभु श्री अरविंद मा पुस्तक षष्ठ अध्याय दशम परिच्छेद उल्लेख करमें जानवा आवश्यकता अच्छी से जो दुर्गा माँ दुर्गा प्रकट हेले से दुर्गा किए एवं कार्य कौन असुर प्रति भयंकर मुखमंडल भगवत विद्वेषी प्रति निर्मम निदारुण तांकर चित्त कारण से विश्व लोकर रण रंगिनी संग्राम रे केबे भी पश्चात पद हुंती नाही तापर प्रभु कहउचंती से जो माँ दुर्गा से सामान्य त्रुटि भी तांकर असहनीय
मनुष्य मध्य जहा कि अनिच्छुक ता प्रति रूढ़ व्यवहार जहा कि जोर कर ज्ञानहीन और तमग्रस्त हो रहा चाहे ता प्रति से कठोर हस्त मा दुर्गा होती सुरक्षा शक्ति मातृत्व विनाश एवं युद्ध सह जड़ित आने समस्ते जानवा उचित जे कि मा दुर्गा जे केवल विनाश करने को आसुले नुहे से मा दुर्गा सुरक्षा प्रदान करती शक्ति प्रदान करती भीतर मध्य मातृत्व हृदय थिला आउ से सब बेले विनाश एवं युद्ध सह जड़ित थिले से शांति आउ समृद्धि मध्य प्रतीक थिले जदि धर्म प्रति विपद सृष्टि हुए तबे मंद और दुष्ट शक्ति को से पराभूत कर पराभूत कर देउतिले सेतिपई से सदा जागृत जागृत भी थिले जो माने निर्यातित होउतिले तांकर मुक्ति पई दुष्ट मानक विरुद्ध रे निजर दिव्य क्रोध प्रकाश से करुतिले प्रभु श्री अरविंद महापुस्तक रे से षष्ठ अध्याय रे दशम परिच्छेद रे कहउचंती विश्वासघातकता मिथ्याचार और विद्वेषर विरुद्ध रे तांकर क्रोध सदा उद्यत और निदारुण दुष्ट इच्छा तांक चाबुक आघात रे तत्क्षणात जर्जरित हुए यही मर्म रे प्रभु श्री अरविंद मा पुस्तक रे अनेक कथा कहिसंती सेति मध्यरु आउ गोटे कथा कही आमर आलोचनार दिग परिवर्तन करिबा भागवत कर्म रे औदासीन शैथिल्य आलस्य तांकर असह्य प्रभु एठारे कहउचंती प्रभु श्री अरविंद भागवत कर्म रे जे औदासीन अछंती शिथिलता तांकर पड़ी जाइछि जो माने आलस्य देखउचंती तांकु ए मा असह्य जे असह्य माने निद्रा जाउछि जे असह्य माने निद्राडु जे दीर्घ सुस्त्री गोटे काम को कहि जाइथिबो आज करिबी काली करिबी आज करिबी काली करिबी काली करिबी काली करिबी करुथिबो ता प्रति मध्य से असह्य प्रयोजन हेले तत्क्षणा तीव्र आघात रे ताकु जाग्रत करांती आमे जो प्रभु दुर्गा स्तोत्र पढ़ुचे हिमेन टू दुर्गा मदर दुर्गा राइडर ऑन द लायन गिवर ऑफ ऑल स्ट्रेंथ मदर बिलव्ड ऑफ शिव वी बॉर्न फ्रॉम दाय पार्ट्स ऑफ पावर वी द यूथ ऑफ इंडिया आर सीटेड हियर इन दाय टेम्पल लिसन ओ मदर डिसेंड अपॉन अर्थ May thyself manifest in this land of India. तेणु प्रभु श्री अरविंद यह को मध्य संबोधन कर मदर दुर्गा राइडर ऑफ द लायन गिवर ऑफ ऑल स्ट्रेंथ से मध्य बिलव्ड ऑफ शिव आमे तांकरी अनुसार जन्म ग्रहण करचे वी बर्न फ्रॉम दाय पार्ट्स ऑफ पावर तांकर शक्ति रु आमे समस्ते जन्म लाभ करचे वी द यूथ ऑफ इंडिया इटी इंडिया को संबोधन करके प्रभु कहिसंती आर सीटेड हियर इन दाय टेम्पल तांकर मंदिर रे आमे इटी बसीछु लिसन मा सुन ओ मदर डिसेंड अपॉन अर्थ माय दाय सेल्फ मैनिफेस्ट इन दिस लैंड ऑफ इंडिया जोटा को प्रभु श्री अरविंद 1909 मसीह कथा लिखी थे ह्यूमन टू दुर्गा दुर्गा स्तुति दुर्गा स्तोत्र दुर्गा स्तुति सर्वमोट 13 स्टांजा आधे अच्छी जदि आम पाराग्राफ देखा 13 पाराग्राफ अच्छी माँ दुर्गा आराधना करा जाएगी माँ पुस्तक षष्ठ अध्याय संपूर्ण भाव में माँ शक्ति और विभाव विषय प्रभु आलोचना कर सिंबल अर्थ हूँ माँ शक्ति ओ विभाव एथे दर्शा जाइछि मांकर जदि 15 नंबर वॉल्यूम का हम देखिबा व्हाट्स ऑफ द मदर पार्ट 3 रे दुर्गा पूजा अनेक मेसेज अछि आश्रम रे दुर्गा पूजा हेउतिला विजय दशमी पालन हेउतिला ए विजय दशमी को मां कहितिले विक्ट्री डे पालन करा जाइतिला सेहि परि आश्रम रे काली पूजा लक्ष्मी पूजा दिन मानकरे मां मध्य अनेक मेसेज दैछन्ती कि
किए माँ पुस्तक माँ को दुर्गा बोली दर्शा जा पेज 124 प्रभु श्रीअरविंद कहते दुर्गा इज द मदर्स पावर ऑफ प्रोटेक्शन ये दुर्गा होती माँ रक्षाकारी शक्ति जहाँ नाम हूँ दुर्गा समस्त दुर्गति को नाश कर दिखती और दुर्गमता भितर दे पार कर जो दुर्गम अंचल अच्छी जे कि आम से प्रवेश पार ही पार ना से तार भीतर को आम को लेकिन पास कर दौंती से अभया बोली कहचे सी हूँ दश पूजा दश प्रहरण धारिणी दश हाथ दश प्रहरण आम मान दश दिगर जहा सब दुर्गति अच्छी से सब नाश कर दिखती माँ को भिन्न भिन्न शक्ति नाम दिया जाए जदि ए विषय को आम आलोचना करवा ताहले माँ को पाखरे जोग शक्ति थिला अलौकिक शक्ति थिला आरोग्य कारणी शक्ति थिला विघ्न विनाशनी शक्ति थिला अभयदायिनी शक्ति थिला बरदा बा ज्ञानदा शक्ति मध्य थिला सबु प्रकार शक्ति भिन्न भिन्न क्षेत्र तार अच्छी माँ को जोग शक्ति किपरी एक कथा उपरे दिलीप कुमार राय तांको बही खंड रे लिखिछन्ति माँ को जोग शक्ति कौन थिला देखिए दिलीप कुमार राय जनाउछन्ति जे कि से दिलीप कुमार राय 1928 मसीहा अगस्त मास रे माँ को प्रथम थर साक्षात करथिले से माँ को पचारिले माँ से श्रीरविंद जो जोग शक्ति कथा कहते से जोग शक्ति किसी आम तार परिचय पाई कि तर प्राक्टिकल एक्सपीरियंस आम किसी पाई कि दिलीप राय अकुंठित चित्तर कहले से निजुक निजे कह माँ पाखे प्रकाश कले से राधा आ कृष्ण छवि पाखे बसंती घंटा घंटा धरी ध्यान करती कि आज पर्यंत से केवल भक्ति अनुभव करा अन्य किसी से अनुभव करना आखि बुझी कौन सी अलौकिक कथा से देखी ना कौन सी ज्योति मूर्ति मध्य से देखी ना माँ सब शुणिले टिके हसीदे दिलीप कुमार जो राय कहले कहले मु राधाकृष्ण छवि पाखे बसुची घंटा घंटा बसुची केवल मो भितर जो भक्ति भावटा अच्छी से भक्ति भावटा मो भितर केवल आसुची मुंह अलौकिक शक्ति कि कौन सी ज्योति एटा सब किसी देखी पार ना माँ सब शुणिले हसिले पचारे तुम्हें होटेल रोच तो से कहला हाँ मुझे होटेल रोचे केत से कहले मुझे राति 9 शोवाक जाऊा से ही समय थे ध्यान बस वो आड़ को निज को खोली धर एठारू तुम आड़ को एकाग्र ही रही हुए तो सेतबेले एपरी किसी जापर जहाँ को विज्ञान बा कौन सी युक्ति द्वारा व्याख्या करहब ना यही कथाटा माँ दिलीप कुमार राय को कहले दिलीप कुमार राय होटेल को आसिले खाई पी सारे खाई पी सारापर ताक घर गोटे चौकी थी से चौकी उपरे बसिले से समयटा हूँ थंडा थंडा दिनटा मुंड भी फुल स्पीड रे फैन बुलू हठात से अनुभव कले देहटा आपाद मस्तक काठ पाल्टी जाऊ पादर मुंड पर्यंत सब जमी काठ बढ़िया शरीर में झाल गम 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 ही बोच छाती भितर टा पूरा धड़पड़ 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 होृत्पिंड द्रुत गति वेगर से चलुच जानी जदि एम शरीर किसी असुविधा हुए माँ को नाम स्मरण कर किसी उपशम मिल तेणु से सांगे सांगे कले माँ को नाम स्मरण करने को लगिले ठीक जमती माँ को नाम स्मरण कर छाती धड़पड़ संगे संगे बंद हो गला किंतु तथापि शरीर रे झाड़ी सर्वांग शरीर पूरा ओदारे जुड़बुड़ हो गलानी देहटा पूरा कठिन हो जाऊ शरीर से बहुत जंत्रणा अनुभव करंसपेशी गुड़िक जपरी माने कई बाहर जन आसिकी चापुची से भाया से अनुभव कर स्पष्ट अनुभव कर बाहर कौन एक शक्ति आसी शरीर में यहपरी क्रिया करुच
ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଗରୁ କେବେ ବି ନଥିଲା। କୌଣସି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆସି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଂସପେଶକୁ ଦଳି ଚକଟିକି ଏପରି କରୁଛି, ଏହା କଳ୍ପନାରେ ବି ସେ ଆଗରୁ କେବେ କରିନଥିଲେ। ଏହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇ ବି ଦେଇ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, ଅସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଭିତରେ ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ସେ ପରଦିନ ଦିଲୀପ କୁମାର ରାୟ କହିଲେ, ପଚାରିଲେ ମା ତୁମେ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ମୋତେ କାହିଁ ଦେଲ, ଏ କଷ୍ଟ ବଦଳରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତ, ଆନନ୍ଦ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତ, ତୁମେ ତ କଷ୍ଟ କାହିଁ ଦେଲ। ମା ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ସେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଜୋର କରି ବାଧା ଦେଉଥିଲ। ତୁମର ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ଥିଲା, ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଥିଲା, ଏଇ ଶାନ୍ତିକୁ ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଅଟକେଇ ରଖୁଥିଲା, ତେଣୁ ତୁମେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ। ମା ତାପରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଏହିପରି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କରି ଚାଲ, ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଛ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କରି ଚାଲ, ପରେ ଆଉ ଏପରି କଷ୍ଟ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ପାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ମାଙ୍କର ଯେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି କଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କିଏ କେଉଁ ମନୋଭାବ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତାହା ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲି ନ କହିଲେ ସେ କାହାରିକୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଯଦି ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଓ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଜଣାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ନିଜେ ଆଗେ ମାଗ, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ଭଣ୍ଡାରର ଦରଜାରେ ଯାଇ ଆଘାତ କର, ଠକ୍ 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 କର, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଦରଜାଟା ଖୋଲିଯିବ। କୌଣସି ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ତେବେ ସେ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ କଲ୍ ଟୁ ଦି ମଦର ଅଲୱେଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଇଫ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡୁ ଦ ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଦେନ୍ କଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ କଲ୍। ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ହିଁ ଅସଲ କଥା। କିଛି ବି ଯଦି ନ କରିପାର, ତେବେ କେବଳ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ଯେଉଁ ଅଦିତିଆଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ସେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱସତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଭଗବତୀ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ମା ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି। ନିଜର ଯାବତୀୟ ସୃଷ୍ଟିର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ବିଶେଷ ବିଗ୍ରହ ସବୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ନାନା ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ସୃଷ୍ଟ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ କୃପା କରି ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସକଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଆମେମାନେ କିଛି ଦେଖିପାରୁ ଓ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଜି ସେହି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 108 ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆମେ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଏହି ନାମ ଜପ ସହ ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କି ମାଙ୍କର 108 ନାମ କଣ ଥିଲା। ମା ଦୁର୍ଗା ସତୀ, ସାଧ୍ୱୀ, ଭବପ୍ରୀତା, ଭବାନୀ, ଭବବୋଚନୀ, ଆର୍ଯ୍ୟା, ଦୁର୍ଗେ, ଜୟା, ଆଧ୍ୟା, ଅଭୟା, ମାୟା, ତ୍ରିନେତ୍ରା, ଶୂଳଧାରିଣୀ, ପିନାକଧାରିଣୀ, ଚିତ୍ରା, ସର୍ବମନ୍ତ୍ରମୟୀ, ସତା, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଅନନ୍ତା, ଭାବିନୀ, ଭବ୍ୟା, ଅଭୟା, ସଦାଗତି, ସମ୍ଭାବି, ଦେବମାତା, ଚିନ୍ତା, ରତ୍ନପ୍ରିୟା, ସର୍ବବିଦ୍ୟା, ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, ମହାତପା, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାରା, ଚିତ୍ତରୂପା, ଚିତା, ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ବିନାଶିନୀ, ଅପର୍ଣ୍ଣା, ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣା, ପାଟଳା, ପାଟଳାବତୀ, ପାତମ୍ବର ପରିଧାନା,
कला मंजरी रंजनी अमया विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूति कराली परमेश्वरी कातायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी मातंगी मातंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुधिता बहुला बहुला प्रेमा सद्व बहन बहन निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधु कैटव अंत्री चंड मुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वशस्त्रधारिणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेकास्त्र धारिणी कुमारी एक कन्या कैश्वरी युवती जति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी हे माँ दुर्गा यही मां शहे आठ टी नाम को मु उच्चारण कली आपण मुक कृतार्थ रही आपण से कृतार्थ होते आशा करूची श्री माँ आम आसवा माँ विषय संपर्कित आउ गोटे टपिक रु देखि आम भितर निश्चित भाव आसुव जे माँ दुर्गा आओ आश्रम श्री माँ ये सब संबंध कौन रोचे आम भितर निश्चित थी आग्रह जाना पाई कि तेणु माँ निज सम्बन्धे आ प्रकाश कर जदि आम एक जाना आम निजक धन्य मन करवा माँ कहते मोर जन्म ग्रहण पूर्व मोर शरीर महा सरस्वती द्वारा निर्मित होता हाँ मुतबले मातृगर्भरे पूर्व महा सरस्वती गर्भाशय टी भी प्रस्तुत करते मोर शरीर से परमा जननी बहुविध उपादान गठन करते सबु अंश को एकत्रित करी ओ से गुड़िक को एक संगरे नहीं पांच वर्ष बयस मु सचेतन थी जे मु यही पृथ्वीर नुहे मोर एक मानवीय चेतना नथिला मोर साधना से ही बयस ही आरंभ होता ए माँ निज मुख अनुसृत बाणी मत जिते बड़े पांच वर्ष होता एपरिक जिते बड़े मोर बयस तीन वर्ष से मु सचेतन थी यार आरंभ होता मातृगर्भरे यहाँ आम शुणी सारा पर आम भितर कौन भाव उद्रेक होमें समस्ते निजे निज पाखे अनुभव करने को चेष्टा करवा श्रीअरविंद दुर्गास्तुति मध्यम आम को जो तेरती मंत्रमाला प्रदान कर समय सापेक्ष केवल गोटे पढ़ी कहीदे मदर दुर्गा वी आर दाय चिल्ड्रेन थ्रो दाय ग्रेस बाय दाय इन्फ्लुएंस मे वी बिकम फिट फॉर द ग्रेट वर्क फॉर द ग्रेट आइडियल मदर डिस्ट्रॉय आवर स्मॉलनेस आवर सेल्फिशनेस आवर फियरनेस यही माँ यही श्री अरविंद यही माँ दुर्गा उपरे माने तेरोटी स्टांजा लिखिंट आम प्राय समस्ते ये तेरोटी स्टांजा आमर पाठचक्र मानक प्रथम आम को पढ़ी चलीचे गान करूचे एवं मातृकृपा आम लाभ करूचे तेणु या देरे जेहेतु आम समस्त ये सब जानचे मुझे समय विशेष नौनापर शारदीय दुर्गा पार्वण दशहरा पर्व को विजयादशमी विक्ट्री डे रूपे आलोचना समाप्त करूचे आउ एक नूतन अध्याय को जीवा ताला विक्ट्री ओवर एडवर्स फोर्स जमती महिषासुर को मारिकी विजयादशमी देवा देवी माने आम समस्ते पालन करते जे कि विक्ट्री डे आम हिसाब करते आउ गोटे मु आश्रम दिवस को कहूँ ताला विक्ट्री ओवर एडवर्स फोर्स डे ऑफ फर्स्ट दर्शन डे 1939 अप्रैल 24
ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କେତୋଟି ଦର୍ଶନ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ଏହି April 24 ଦର୍ଶନ ନଥିଲା। ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1943 April 24 ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ନିରୋଧ ବରଣ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଆଜିର ଏ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଏହା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଦିବସ 1938 April 24 ତାରିଖ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିରୋଧ ବରଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମା ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଧରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରୁମକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଛଣା ଉପରେ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁ ମଥା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଶ୍ରୀମା ଭାରତୀୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତଳେ ଲଗାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମା କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଓ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାତରେ ସେ ଏହିପରି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଯେ କି ଶ୍ରୀମା ନିଜେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଶୋଭନୀୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେ ମହିମାମୟୀ ଦେବୀଙ୍କ ପରି ଦିଶୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଫର୍ଫର୍ ଧୋତି ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଧୋତିର ତଳ ଭାଗଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କୁଞ୍ଚ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଲ୍କ ଧଳା ଚାଦର ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚକ୍ ଚକ୍ ହେଉଥିବା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମୁଣ୍ଡର କେଶ ତଳକୁ ଝୁଲି ପଡୁଥିଲା। ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ବସିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟେ ଶ୍ରୀମା ବସିଲେ। ଏକ ମହିମାନ୍ୱିତ ଦର୍ଶନ ସେଦିନ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ଓ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହୋଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ନୀରବରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। କରୁଣାମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ସାଧକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଥିଲେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଜଗତ ଜନନୀ କିଏ, ଶ୍ରୀମା କିଏ। ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଅଦିତି, ଏକାଧାରାରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି। ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଓ ଅତିମାନସ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ମୂଳ ଚାବିକାଠି ରହିଛି। ସେଇଠାରେ ହିଁ ଏ ସବୁ ଆମ ଜଗତର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏ ଜଗତରେ ଅପଶକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବରେ ଏହା ତାର ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ସେହି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।